हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा इजी सा पैटर्न। इसे जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है 2 रो की डिजाइन है और 3 के मल्टीपल डिजाइन पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए हमने टोटल जो है 17 फंदे लिए हुए हैं। 3 के मल्टीपल 15 फंदे डिजाइन के हैं, 2 फंदे जो हमारे हैं साइड के एड स्टिच हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको 2 रो में डिजाइन पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो डिजाइन सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन की घंटी, उसे प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए राइट साइड रो 1 है, ठीक ना। बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड से फंदे वगैरह बढ़ा सकते हैं। इसके बाद रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ाने के बाद राइट साइड से आप डिजाइन पैटर्न को स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए रो 1 है राइट साइड, तो हमने फर्स्ट फंदे को स्लिप किया है। इसे आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, ऑप्शनली है। तो हमारा ये फर्स्ट फंदा स्लिप हो गया। अब 3 फंदे में हम डिजाइन पैटर्न को बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे, ठीक ना। अब हमारे ये 2 फंदे हैं ना, तो हमारा जो ये सेकेंड फंदा है इसे हम पहले बुनेंगे, ठीक। इसके बाद हम फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। जब ये 2 फंदे बुन लेंगे ना, तो इसके बाद स्लिप कर देंगे ऐसे। अब इसी 3 के मल्टीपल पैटर्न को रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे और हमारे ये 2 फंदे हैं, तो हम सेकेंड फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, फिर फर्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे, स्लिप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों में सेकेंड फंदा पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदा बाद में बुनेंगे। दोनों को बुनने के बाद फंदे को स्लिप कर देंगे, 1 फंदा सीधा। इसी तरह आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हैं फ्रेंड्स, रिपीट करते रहना है। देखिए हमारे ये 2 फंदे हैं, तो हमने सेकेंड फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को सीधा बुन लेते हैं, स्लिप कर देते हैं, फिर 1 फंदा सीधा। अब हमारे ये 2 फंदे हैं, तो हम सेकेंड फंदे को देखिए, सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, इसके बाद फर्स्ट फंदे को बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, 1 फंदा साइड का एड स्टिच है, तो इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये रो 1 कंप्लीट हो गया है राइट साइड। अब हम सेकेंड रो रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड को भी ध्यान से देखिएगा, सेम पैटर्न आपको रॉन्ग साइड में भी रिपीट करना है, ठीक ना, रो 1 की तरह। तो देखिए फर्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए ऊन के धागे को हम बैक साइड ले जाएंगे, ठीक ना। तो ये इसमें हम जो है सेकेंड फंदा को पहले बुनेंगे, ठीक। इसके बाद हम फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। देखिए सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे और इसे स्लिप कर देंगे, 1 फंदा सीधा, ठीक ना। अब देखिए हमारे 2 फंदे हैं, तो हम सेकेंड फंदे को पहले बुनेंगे, ठीक ना। देखिए ऐसे सेकेंड फंदे को पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को बाद में बुनेंगे और स्लिप कर देंगे, 1 फंदा सीधा। सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे। अब देखिए 1 फंदा सीधा, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे और फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे। समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई की केवल ये डिजाइन पैटर्न है और 1 फंदा सीधा। आपको बस देखिए सेकेंड फंदे को पहले बुनना है और फर्स्ट फंदे को आपको बाद में बुनना है, फिर स्लिप कर देना है, 1 फंदा सीधा। और इस साइड का एड स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। और ये हमारा देखिए सेकेंड रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है। तो डिजाइन पैटर्न यही 2 रो आपको रिपीट करते जाना है फ्रेंड्स। चलिए आपको रिपीट पैटर्न
रो ऑन करके आपको दिखाते हैं। और बहुत ही इजी सा पैटर्न है, इसे शॉल स्टॉल मफलर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट फंदे को हमने स्लिप किया, वन फंदा सीधा, ठीक। फिर इसमें देखिए हम सेकंड फंदे को पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, ठीक। फिर वन फंदा सीधा, सेकंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, इसे स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। सेकंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे और स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। सेकंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को हम स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। देखिए सेकंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे और स्लिप कर देंगे। इसके बाद इस साइड का एड स्टिच है, इसे हम बुन लेते हैं। तो रिपीट पैटर्न हमारा ये रोवन की तरह है। देखिए हल्का हल्का सा ये डिजाइन पैटर्न आपको पता चलने लगा है, और ये बहुत ही इजी सा पैटर्न बनकर आया है फ्रेंड्स। इसे आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों साइड से ये डिजाइन पैटर्न सेम है, ठीक ना। अब देखिए रिपीट पैटर्न, हम सेकेंड रो आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे। देखिए हम सेकेंड फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, फिर स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, वन फंदा सीधा। अब देखिए सेकेंड फंदे को हम पहले बुनेंगे, फर्स्ट फंदे को हम बाद में बुनेंगे, स्लिप कर देंगे, ठीक, वन फंदा सीधा। और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा देखिए ये फोर रो कंप्लीट हो गया है, रिपीट पैटर्न ही हमारा सेकंड रो कंप्लीट हुआ है। ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो देखिए डिजाइन पैटर्न ऐसे बनकर आने लगा है। तो फ्रेंड देखिए इस डिजाइन को बनाते जाएंगे ना, तो ये डिजाइन पैटर्न ऐसे बन करके आएगा। तो इसे आप बनाइए, ये देखिए प्यारा सा ये वन रो की ये डिजाइन है, इसे आप बनाइए। आपको डिजाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारे डिजाइन के पैटर्न मिलेंगे, और बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से पैटर्न हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।